मोदी सरने मामले में कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म हो गई थी और उसके बाद उन्हें सरकारी आवास छोड़ना पड़ा था और वो अपनी मां सोनिया गांधी के घर में शिफ्ट हो गए थे। लेकिन अब खबर ये सामने आ रही है कि जल्द ही राहुल एक नए घर में शिफ्ट होने वाले हैं। जी हाँ, वो घर कौन सा है, किस इलाके में होगा, ये हम आपको बताएंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ कृतिका और आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी को जल्द ही नया घर मिल सकता है। जी हां, सूत्रों के माने तो राहुल गांधी के लिए नए घर की तलाश पूरी हो चुकी है और बहुत जल्द ही इसमें वो शिफ्ट हो सकते हैं। राहुल गांधी जिस घर में शिफ्ट होने वाले हैं वो कांग्रेस के नेता और दिल्ली की पूर्व सीएम दिवंगत शीला दीक्षित का आवास माना जा रहा है। ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है कि राहुल गांधी जल्द ही शीला दीक्षित के निजामुद्दीन ईस्ट स्थित इसी फ्लैट में शिफ्ट हो सकते हैं। अभी इस घर में शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित रह रहे हैं, लेकिन अब वे इसके पास ही स्थित अपनी मौसी के घर में शिफ्ट होने वाले हैं। सूत्रों की माने तो राहुल गांधी को शीला दीक्षित का ये जो घर है वो बहुत ही पसंद आया है और उन्होंने किराए पर इसमें शिफ्ट होने की मंशा जताई थी, यानी कि राहुल गांधी अब किराए के घर में रहेंगे। हालांकि अभी इस बारे में कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है वो जारी नहीं की गई है। अगर ऐसा हुआ तो ये पहला मौका होगा जब राहुल गांधी किसी किराए के मकान में रहेंगे। वैसे बताया तो ये भी जा रहा है कि राहुल गांधी की टीम एक हफ्ते पहले निजामुद्दीन वाले फ्लैट को देखने गई थी और उन्हें ये जो फ्लैट है वो काफी पसंद भी आया था। वैसे आपको बता दें कि गुजरात की एक अदालत ने राहुल गांधी को 2019 में मोदी सरनेम वाले बयान पर आपराधिक मानहानि का दोषी पाया था। कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 सालों की सजा भी दी थी। तो और भी ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आप जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।